इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को विचार करने की शक्ति नहीं उपलब्ध। लेकिन आप हैरान होंगे यह जानकर कि इतनी बड़ी शक्ति आपको मिली है जो आपको पशुओं से अलग करती है, यही एक शक्ति है जिसके कारण आप पशु नहीं हैं, अन्यथा आप में और पशु में कोई अंतर नहीं, सब कुछ एक जैसा है। सिर्फ एक शक्ति है आपके भीतर, विचार करने की शक्ति, यही आपको पशुओं से अलग करती है। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर वैज्ञानिक तल पर 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने अद्भुत शोध की, उनकी शोध का परिणाम है कि सारी मनुष्यता अपनी इस विचार शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान नहीं जानती। मनुष्यता विचार शक्ति का विज्ञान का प्रयोग करने के विज्ञान से वंचित है। अगर विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग आपको आ जाए, जिसका आप उपयोग करते ही नहीं, जाने अनजाने कोई सही प्रयोग करता है, जाने अनजाने किसी के जीवन में इस विचार शक्ति का सही ढंग से प्रयोग हो जाता है, वो सफल व्यक्ति हो जाता है जिंदगी में, और अधिकांश लोग असफल ही रह जाते हैं जिंदगी में। आपने कभी गौर से सोचा है, इस पृथ्वी पर थोड़े से लोग हैं जो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर बहुत दिनों बाद उनको सफलता मिलती है। और तीसरे, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दिनों रात मेहनत करते रहते हैं लेकिन सफलता उनकी जिंदगी में आती ही नहीं। कभी आपने गौर से सोचा इन तीन प्रकार के लोगों में सबसे बड़ा अंतर का कारण क्या है? आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस अंतर का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और ये कारण आपकी समझ में आ जाए तो आपका जीवन इसी क्षण से बदलना शुरू हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको एक बगीचे में ले चलते हैं। एक बगीचे में जहाँ तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, बगीचा एक ही है, कोई जूही का फूल है, कोई चमेली का है, कोई चंपा का है, कोई गुलाब है, कोई रजनीगंधा है, सारे फूल अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के, कोई छोटा कोई बड़ा। बगीचा एक ही है, उस बगीचे की मिट्टी भी एक ही है, उस बगीचे का माली भी एक ही है, और उनको खाद ही एक जैसी दी जाती है, उनको पानी भी एक ही जैसा दिया जाता है, उनके ऊपर का आसमान भी एक ही है, हवाएं भी एक सी हैं, आसमान का सूरज भी एक ही है, फिर भी हर फूल अलग अलग है। कोई जूही, कोई चंपा, कोई चमेली, कोई रजनीगंधा। इस अंतर का कारण क्या है? इस अंतर का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि सभी फूलों का इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है, सबके बीज अलग अलग हैं। जैसा बीज वैसा वृक्ष, वैसे फल वैसे फूल। मनुष्य तीन तरह के मैंने आप कहे, कुछ बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे बहुत मेहनत के बाद और बहुत दिनों बाद कहीं सफल होते हैं, तीसरे अधिकांश लोग असफल ही विदा हो जाते हैं संसार से। इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इनका इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है। इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है। हर व्यक्ति का बीज अलग अलग है। बीज क्या है? विचार ही बीज बनते हैं। व्यक्ति कैसा कैसा सोचता है, क्या क्या सोचता है, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका जीवन निर्मित होता चला जाता है। विचार ही कृत्य बनते हैं। कोई भी चीज इस अस्तित्व में पहले आदमी के विचार में आती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है, वास्तविकता में साकार होती है। कभी मत भूलना, तुम्हारे भाव ही तुम्हारा सृजन करते हैं, तुम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हो। सातवें आसमान पर बैठा हुआ
कोई ईश्वर तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता है। तुम जैसा जैसा सोचते हो, भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसा वैसा निर्मित होते चले जाते हो। जैसा जैसा मनुष्य विचार करता है, जैसा जैसा सोचता है, वैसा वैसा उसका जीवन निर्मित होता चला जाता है। स्मरण रखना, तुम वही हो जो तुमने अनंत बार चाहा है, विचारा है, जिसकी भावना की है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा आज का जीवन वही है जो तुमने कल सोचा था, और तुम्हारा कल का जीवन वही होगा जो तुम आज सोच रहे हो। जैसा जैसा आज सोच रहे हो, सोचते क्या हो, इस पर कभी ध्यान दिया आपने? कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा जीवन ऐसे है जैसे कोई नाव है, उस पर कोई नाविक नहीं है। वो चलती तो खूब रहती है सागर में, नाविक कोई नहीं है, नाव छूट गई है सागर में, चलती रहती है दिनों रात, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। अब क्या क्या सोचते हो, क्या क्या विचार करते हो, क्या बीज तुम्हारे भीतर विचारों के रूप में पड़ते हैं, इन पर आपने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं ध्यान दिया। इसलिए आप जिंदगी भर चलते तो खूब हो, चलते तो रहते हो दिनों रात, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हो। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, हम 24 घंटे क्या विचार करते हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हमारा जीवन उन्हीं चीजों से बनता है जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। जैसा जैसा हम विचार करते रहते हैं, वही चीजें हमारे भविष्य को निर्मित करती चली जाती हैं। तो पहला सूत्र है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। बाय चेंजिंग योर थॉट्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। यानी अपने विचारों को बदलकर आप अपना जीवन, अपना पूरा का पूरा भविष्य बदल सकते हैं। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं, विचार शक्ति का विज्ञान कहता है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते हैं। यानी किसी चीज को निरंतर सोचते रहना, किसी चीज की निरंतर चिंता करते रहना, उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है। जो चीज आपके विचारों में निरंतर बनी रहती है, वो चीज असलियत बनकर आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती है, चाहे आप उसे पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते हैं। यह अपवाद रहित नियम है। आप हैरान होंगे जानकर, अधिकांश मनुष्य उन्हीं बातों की चिंता करते रहते हैं, उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वह जिंदगी में पाना नहीं चाहते। और यही कारण है कि अधिकांश लोगों को जिंदगी में वही मिलता है जो वह पाना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, अगर आपको निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, आप जान लेना, दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट रोक नहीं सकती है। क्योंकि निरंतर एक्सीडेंट का विचार कर करके आपने इस ब्रह्मांड से एक्सीडेंट की घटना को आमंत्रित कर दिया। अधिकांश लोगों को जिंदगी में वही चीजें मिलती हैं जो वे पाना नहीं चाहते। कोई आदमी दुख नहीं पाना चाहता, लेकिन दुखों की ही सोचा करता है दिनों रात। अगर शादी के 2-3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, और निरंतर यही चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा पैदा ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि निसंतान ही ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि निसंत। अब उसके घर वाले सोचते हैं, परिवार सोचता है, सगे संबंधी रिश्तेदार सोचते हैं, और वो महिला बेचारी 24 घंटे इसी चिंता में पड़ी रहती है कि कहीं बच्चा ना हुआ तो क्या, बच्चा ना हुआ तो क्या, बच्चा ना। अब बच्चा ना होने की बात इतना ज़्यादा 24 घंटे चिंता में लगी रहती है, विचारों का केंद्र बन जाती है, कि अंततः वो घटना घट ही जाती है। मेडिकल साइंस में जाते हैं, जाने कितनी लड़कियां मेरे पास आती हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है,
कहते हैं गुरुदेव डॉक्टर कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस हो नहीं रहा है। कारण क्या है? लगातार इस बात को सोचते रहने के कारण कि कहीं बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, बच्चा ना होने की घटना आपने पक्का कर दी। अब मेडिकल साइंस कितना भी आपको सहयोग करे, आप हार जाते हैं। और आप मेरे पास आते हैं और अंतर हृदय से मेरे यह बात निकल जाती है कि जा, अगली बार तू मिलेगी तो तेरे को खुशखबरी मिलेगी, तू गुड न्यूज लेकर मुझसे मिलेगी। अब ये बात आपके उस लड़की के प्राणों में बात बैठ गई कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो गुड न्यूज मिलने ही वाली है, अब तो गुड न्यूज मिलने ही वाली, अब तो गुड न्यूज मिलने वाली। अगर गहनता से उसके प्राणों में ये बात बैठ गई, ये विचार बैठ गया, उसी क्षण अस्तित्व उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। और निश्चित रूप से मैंने पाया है कि जब भी गहनता से किसी ने भरोसे से मेरे शब्दों को स्वीकार कर लिया तो अगली बार वो मिला है तो गुड न्यूज के साथ ही मिला है, 100% गुड न्यूज के साथ मिला है, 100% उसकी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि विचारों में गहनता से आपने उसे स्थान दे दिया, अब अस्तित्व उसको साकार करने में जुट जाता है। तो दूसरा सूत्र यह है कि जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं उन्हीं को अपने जीवन में विचारों का केंद्र बनाएं, जिन चीजों को पाना नहीं चाहते हैं उनको विचारों का केंद्र न बनाएं। अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आप निरंतर सोचते रहते हैं कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, खाना खाते समय यही सोच रहे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, सोने जा रहे हैं तो इसी चिंता में जा रहे हैं कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते बात करते एक ही चीज की चिंता, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि निरंतर कर्ज का विचार कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत कर्ज के बोझ से आपको मुक्त नहीं कर सकती, कर्ज का बोझ ही बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर कर्ज के बोझ से मुक्त होना है तो कर्ज की मत सोचो। अगर 5 लाख का कर्ज तुम्हारे ऊपर है तो तुम 10 लाख कमाने की चिंता करो, 10 लाख कमाने का विचार करो, 10 लाख कैसे कमाना, इधर से कमाना, उधर से कमाना, ऐसे कमाना, वैसे कमाना, 10 लाख कमाने के विचार से भर जाओ। और मैं तुमको वचन देता हूँ, अगर पूरा पूरा 10 लाख कमाने के भाव से भर गए, 10 लाख कमाने के विचार से भर गए तो ये अस्तित्व उसी समय 10 लाख कमाने की घटना आपके जीवन में साकार करने में जुट जाता है। जो आपके विचारों में है वही मैग्नेट बन जाता है, वही चुंबक बनकर इस ब्रह्मांड से आकर्षित करने लगता है। आपके खोपड़ी में, आपके विचारों में भरा क्या है, यही इनर सॉफ्टवेयर है, यही बीज है, वही घटना आगे घटने वाली है। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान का दूसरा सूत्र है कि वही सोचो जो तुम पाना नहीं चाहते हो, उन चीजों को मत सोचो, उनको अपने विचार का केंद्र मत होने दो जिन्हें तुम पाना नहीं चाहते हो, उसका विपरीत जो भी हो उसको अपने विचार का केंद्र बनाओ, उन विचारों से भरो जो तुम पाना चाहते हो, उन विचारों से अपने को मुक्त रखो जिन्हें तुम पाना नहीं चाहते हो, जिस स्थिति में जाना नहीं चाहते हो। और मैं आपसे कहूं, ये मेरा नहीं, इस पृथ्वी पर जितने असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले लोग हुए हैं, जिन्होंने जीवन के इस राज को समझा है, सब ने कहा हर एक व्यक्ति की संभावना है कि वो जो चाहे वो बन सकता है, जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यू कैन बी, यू कैन डू, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। जिंदगी में जो भी होना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, जहां भी पहुंचना चाहते हो, सब कुछ होने पाने करने की आपके भीतर संभावना है और हर एक के भीतर संभावना। परमात्मा हर एक को उस क्षमता के साथ मनुष्य के रूप में पैदा करता है।
एक एक बीज की संभावना है विराट वृक्ष होने की, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या बनते हैं। आप विराट वृक्ष बन जाते हैं अथवा सड़ जाते हैं। अगर विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की कला आपको आ गई, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, थिंक बिग ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि जो सोचोगे, जैसा जैसा सपना देखोगे, वही आपके जीवन में अवतरित होगा। उसके अलावा और कुछ भी अवतरित नहीं होता, उसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी साकार नहीं होता। जो ही आप सोचते हैं, जिन जिन चीज़ों का सपना देखते हैं, वही आपके भविष्य के जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए जिसने भी जाना है, जिसने भी पाया है, सभी संबुद्ध पुरुषों के प्राणों का संदेश है, थिंक बिग ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। आपने देखा होगा गौर से, आपके स्टेट में, आपके देश में कोई दो चार लोग हैं जो घूम फिर के मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं का नाम चर्चा में रहता है। चार छह लोग हैं घूम फिर के, वही लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि आप गौर से देखें, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनते, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनते? क्योंकि आप कभी सपना ही नहीं देखते मुख्यमंत्री बनने का, आप कभी सोचते ही नहीं मुख्यमंत्री बनने का। आपके इनर सॉफ्टवेयर में, बीज रूप में मुख्यमंत्री बनने की सोच है ही नहीं। जब बीज ही नहीं है तो वृक्ष आएगा कहां से? और आ सकता है, फल पैदा हो सकता है, पहले बीज डालना पड़ेगा। जिस चीज का आप बीज डालते हैं उसी का वृक्ष लगता है, और उसी के फल और उसी के फूल आपके जीवन में प्रकट होते हैं। कोई दूसरी चीज बाहर से नहीं आती। इस सत्य को आपके प्राणों में बैठा देना चाहता हूं। जो व्यक्ति जितना बड़ा बड़ा सोचता है, जितने बड़े बड़े सपने देखता है, उतनी ही तेजी से उसके भीतर सपने साकार करने की शक्ति ब्रह्मांड के द्वारा उपलब्ध होने लगती है। आपको पता है, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है, इस पृथ्वी के संबुद्ध पुरुषों के जीवन का अनुभव कहता है, यत यत ब्रह्मांडे तत तत पिंडे, यानी आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का मिनिएचर रूप है, सूक्ष्म रूप है। यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क में समाया हुआ है। इसीलिए अध्यात्म के ऋषियों ने कहा, यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, यत यत ब्रह्मांडे तत तत पिंडे। यानी आपका मस्तिष्क अनंत शक्तियों का स्रोत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो शक्तियां आपको उपलब्ध हैं, उनका सिर्फ 5% से 7% तक साधारण आदमी उपयोग कर पाता है। शेष सारी शक्तियां उसकी सड़ जाती हैं, सोई पड़ी रह जाती हैं, और व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को जितना अधिक जगा देता है, वो व्यक्ति उतना ही असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। इन शक्तियों को जगाने का उपाय क्या है? उनको जगाने का उपाय है थिंक बिग ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। जिस व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति का साध्य जितना ऊंचा होता है, उसके भीतर सोई हुई शक्तियां उस साध्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतना ही तेजी से विस्फोट करती। इसलिए मैं नहीं कहता आवश्यकताओं को कम करो, मैं कहता हूं आवश्यकताओं को फैलाओ, आकांक्षाओं को विराट होने दो, ताकि तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं उनका विराट विस्फोट हो, और तुम उन विराट संभावनाओं को साकार करने में सफल सार्थक कदम उठा सको।